benefits like pensions that we may be able to offer, and many of these will be done in collaboration with the states. Sri Chandu Banjara ji. Madam Speaker, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं कि इस देश में वर्षों से जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने वाले उद्योगपति थे उन्होंने किसान के नाम पे फिक्टिशियस बिल बनाकर हजारों करोड़ रुपया ले लिया, किसान को उसका कोई फायदा नहीं हो पाया, फर्टिलाइजर बाहर फैसला किया गया कि करने के लिए R.K. Singh ji. Okay, madam. Yes. Madam, one of the biggest subsidy schemes is the food subsidy scheme. Now, the Food Security Act provided that cash transfers will be made to the beneficiaries wherever the concurrence is given by the state governments. And madam, I would like to inform the House and inform the Honorable Minister that the biggest scam or the biggest diversion in the subsidy schemes happens in the food subsidy scheme. The fair price shop system is a thoroughly corrupt system. Almost 50% of the subsidy is diverted into the pockets of middlemen. So my question to the Honorable Minister is as to what is the progress made as to bringing the food subsidy on to the direct benefit transfer as envisaged in the Food Security Act. The states were supposed to give their concurrence. Have the states been asked for their concurrence? And if not, why not? Madam Speaker, Honourable Member is exactly right. One of the features that was discussed in the Food Security Act was the potential of doing cash transfers instead of distribution of food grains through the Food Security Act. This has been experimented with. There are pilots that have been run in the union territories of Chandigarh, Puducherry and Dadra and Nagar Haveli, where these trials are going on, and we are collecting the evidence to that effect. Honourable Member will also be pleased to know that we are in the process of computerizing and providing biometric authentication in all of the fair price shops so that some of the leakage and the diversion that he's talking about can be restricted in that fashion. Question number 182, Sri Mulapalli Ramachandran ji is not here. Mr. Minister. Question number 182, A to D, a statement is laid on the table of the House. Om Birla ji. से जानना चाहता हूं कि देश के अंदर अभी कैंसर किस प्रवृत्ति के हो रहे हैं और किस आयोग के अंदर कैंसर अधिक हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जिस इलाके के अंदर कैंसर है उस ब्लॉक के अंदर सरकार स्पेशल कैंसर यूनिट बनाने की कोई योजना बना रही है क्या, ताकि हम जिस तरीके से 0 से 15 वर्ष के बच्चों में एक रिपोर्ट के अध्ययन के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर कैंसर पीड़ित पाए और कई बच्चों की मौत कैंसर से हुई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और इन ब्लॉकों के अंदर अध्ययन करके होने वाली कैंसर के कारणों की जानकारी प्राप्त करके क्या सरकार इसका अध्ययन करा रही है क्या? मैडम स्पीकर, कैंसर के प्रेवलेंस रेट जो है वो 30 लाख है इस देश में, और
ईयरली इंसिडेंस 10 लाख है और साल भर में मॉर्टेलिटी बिकॉज ऑफ कैंसर जो होती है वो 5 लाख है. कोई इसमें एज वाइज तो ऐसा डाटा नहीं है कि कैंसर किस उम्र में ज़्यादा है, लेकिन जो पुरुषों में पाया गया है वो ओरल कैंसर और स्टमक का कैंसर ज़्यादा कॉमन है, और उसी तरीके से महिलाओं में जो पाया गया है वो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और यूट्रस का कैंसर मोस्ट कॉमन है. जहाँ तक कैंसर के बचाव का सवाल है उसके दृष्टि से हमारे यहाँ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में इसको बनाया जा रहा है. लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है और इसका काम शुरू हो गया है. 2018 तक ये कंप्लीट हो जाएगा. इस तरीके से हम उसको काम उसका कंप्लीशन कर रहे हैं. उसी तरीके से चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट उसका सेकंड कैंपस जो लगभग 500 करोड़ की लागत से बन रहा है वो भी प्रोग्रेस में है काम, और उसको भी हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे. इतना ही नहीं, हम लोगों ने 20 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स ये डेवलप करने का हम लोगों ने तय किया है, और 50 टर्शरी केयर सेंटर कैंसर सेंटर केयर सेंटर्स बनाने का तय किया है. इस दृष्टि से 45 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे टीसीसी में और एससीआई में लगभग 120 करोड़ खर्च होंगे. कुल मिलाकर के 47 प्रपोजल्स हैं जिसमें से 14 प्रपोजल्स तैयार हो चुके, मतलब उसके लिए पैसा दे दिया गया, अप्रूव कर लिया गया. बाकी में कुछ कमियां हैं उसको पूरा करके हम उसको कर रहे हैं. अजय मिश्रा जी. माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को बहुत ही अपनी कार्य योजना में रखा है और निश्चित रूप से अस्पतालों और अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया है. ऐसे सिगरेट के, तंबाकू के पैकेट्स पे भी लिख करके लोगों को चेतावनी दी जा रही है. अभी मुझसे पहले ओम बिरला जी ने बच्चों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जो कैंसर की उनमें जो है. ऐसे ही सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 7 अप्रैल 2015 को इंद्रधनुष मिशन के नाम से प्रारंभ हुआ था. तो उत्तर भी छोटा जी, जी, आएगा. जी बिल्कुल छोटा. सारे लोग पूछना जी, चाहते. मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 7 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किए गए इंद्रधनुष मिशन से प्राप्त उपलब्धियों का आकलन किया है, तथा क्या सरकार माँ व बच्चों को बीमारियों से बचाने हेतु गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कार्यक्रम के साथ इस मिशन को नियमित चलाने के साथ ही कुछ अन्य टीकों को शामिल करने का जा रही है. मैडम ये प्रश्न आगे लगा हुआ है. आगे का प्रश्न है, वो आएगा नहीं इसलिए अभी पूछ. मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि मिशन इंद्रधनुष में हम लोगों ने रूटीन इम्यूनाइजेशन से उसको करते हुए और जो लेफ्ट आउट्स थे उनको ढूंढने का प्रयास किया है. 45 लाख माताएं और 45 लाख बच्चे इसमें एडिशनली इम्यूनाइज किए गए हैं, और लगभग जो ईयरली 1% इम्यूनाइजेशन बढ़ता था वो 5-7% बढ़ा है, जिसकी ऑथेंटिकेशन होनी बाकी हम कर रहे हैं. और 4 तरीके के नए वैक्सीन हमने जोड़े हैं, मीजल्स रोबेला, जेई एडल्ट्स, रोटा वायरस और आईपीवी. थैंक यू. सिराजुद्दीन अजमल जी. थैंक यू रिस्पेक्टेड मैडम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. आई वुड थ्रू योर काइंड ऑफिसेस वांट टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर that it is laudable that more than 25 national cancer centers are being set up. Will the minister be kind enough to tell us by 2019 whether just like Chhajjar and West Bengal, even Assam will get one national cancer center? Yes. Thank you. As far as the cancer center is concerned, we are very clear that 20 state cancer institutes are to be opened and 50 tertiary care centers are to be opened. The proposals we have got only is of 47. If we get the proposals, we'll see it to it and accordingly we'll work on it. Mohan Jatua ji. Yes. Thank you, madam. Thank you, madam, for giving me opportunity to say on this cancer problem. Madam, in West Bengal, there is only one cancer institute, like CNCI. So this institute is located in the heart of the city itself. There is no scope of expansion. That is why Government of India took decision that another cancer institute would be set up in Calcutta. And for that matter, as Honorable Minister has said,
sufficient land as required was given by Government of India, West Bengal to Government of India long before. Now the problem is, thereafter it is not running up at all, not going, not progressing at all. As Honourable Minister just told that it is progressing. But I tell you, Madam Sir, because I live by the side of by the side of the new side. Okay. The problem is, the earlier minister of the earlier government, UPA government, had gone there and set up foundation stone. And thereafter, it is being told, it was being told by that government that the cancer, the second campus will be set up very soon. Yes, yes. Thereafter, the new government, they are also having the, no, madam, kindly allow me to say. The new government are also telling that it is progressing. Okay, okay. But my point is, madam, nothing has been done so far. So far, nothing has been done. Only the landscape is there. And in last time, I had to talk with the Secretary of Health. He told it is in the... My question, madam, is, so far, nothing has been done. My request to the Honourable Minister, rather my question, pointed question. When the, second... Question, please, not so long things, no. Yes. Madam, tenders have been opened. Yes. And the now see what... Tenders have been opened and the work is in progress. We are going fast on it. A monitoring committee has been set up to resolve the day-to-day issues and all those day-to-day issues are being... Not only that, a new AIIMS is also coming out in West Bengal, which has got an oncology super speciality department. Thank you. Question number 183, Sri Bhartrhari Mehtabji. Question number 183. Reply is as laid on the table as well. Yes, Minister. Madam Speaker. Yes. ये सरकार बधाई की पात्र है that it decided to be gender neutral relating to recruiting fighter pilots. The government of India has decided to induct women pilots flying its helicopters and transport aircrafts into fighter combat stream as short service commission officers on an experimental basis for a period of 5 years. While United States, Britain, Russia, Israel, and even Pakistan have allowed women pilots to fly combat jet decades ago. इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार बधाई की पात्र है कि इन्होंने gender neutral किया है fighter pilot बनाने के लिए women. I would like to know from the government, what are the government's reservation not to induct women pilots into fighter combat stream on permanent basis, and why this decision is taken so lately as compared to other countries, particularly when the government is committed to gender equality in the country? Well, madam, we have already taken the decision. Experimental basis is for the reason that we are trying to ascertain what are the difficulties we will face, so that we can ensure that those difficulties are taken care before we do it on a permanent basis. And I assure the member that this decision will be taken very soon, once we induct the three pilot, women pilot, who have been selected. Another supplementary would be relating to the shortages of pilots, fighter pilots, especially pilots in Indian Air Force, which has been reduced, the answer says, to 164 by 1st February 2016. And the general perception, madam, is that we don't have adequate trainers or adequate training aircraft, or those advanced fighter training, as we have Hawk 132 or Kiran MK-1A. But my question here is, madam,
whether the government has chalked out the worldwide accepted two-pronged strategy to retain and attract the best talent to reduce the shortage of pilots in the Indian Air Force, particularly when private airlines are offering lucrative packages. And if you have such a program in view, what are they? And you can share it with us to retain the best pilot and to attract best talented youths of our country. Speaker Madam, the shortage was 550 in year 2010. I am pleased to inform the House that the shortage has been reduced to 164, and we have found that pilots leaving Indian Air Force is reducing. The number is on a downward trend, indicating that there are better facilities we have provided. The total number of personnel in the flying branch is 4,528. So 164 is a very small number, and in 2 years' time, if the trend continues in the current, as per the current, we expect these shortages to be completely wiped off. One of the reasons why we decided to introduce gender neutral policy is because we will get more, the scope becomes double almost. And there are so many women pilots or women who are ready to join the Air Force for combat duty, that I think once the initial trials are conducted, by next year we should be able to make it really thoroughly acceptable, and then there won't be any shortages. Probably the Air Force will be almost 100% staffed. Arjun Meghwal ji. धन्यवाद अध्यक्ष जी. इंडियन एयरफोर्स में जो पायलट्स की कमी पे जो सवाल आज चर्चा में आया है, मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और जो 164 जो शॉर्टेज है वो भी पूरी करने का पूरा आश्वासन दिया है. मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानने का प्रयास है कि MiG-21 और इस तरह के जो कैजुअल्टी होती है उसमें लड़कियाँ जो है फाइटर इसकी फाइटर ट्रेनिंग लेने में थोड़ी डरती भी है. नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कई बार मिग एक मिनट प्लीज थैंक यू. मैं मैडम एनसीसी के कैंप में भी गया, कई बार यह आया, तो इसकी कोई जागरूकता फैलाने का प्रयास करेगी क्या लड़कियां? एक मिनट महादेव जी, मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एनसीसी के कैंप में भी गया, उसमें जागरूकता का कोई इनका प्रयास है क्या ताकि वो डर निकले? तक वो डर डरती नहीं है, लेकिन तो डर कभी स्कूलिंग लेवल पे बैठ जाता है, वो डर निकले इसके लिए मंत्री जी कोई प्रयास करेंगे क्या? जो संकोच है वो संकोच निकले, ये है तो प्रयास. ये क्वेश्चन था मेरा, उसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे. बट टचवुड, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले 8-10 महीने में एक भी दुर्घटना नहीं हुई है. MiG-21 सिंगल इंजन वाला फाइटर है, इसके लिए जब इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो पायलट नॉर्मली बेल आउट करना पड़ता है, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्रैश होके दोनों को लगेगा. बट आई विल लाइक टू स्ट्रेस हियर दैट वी हैव स्ट्रेस्ड ऑन द इम्प्रूव्ड मेंटेनेंस and improved quality maintenance, thereby in last year we have managed to get the lowest accident rate for last 10 years except year 2013, when it was slightly lower, but while flying more, almost 262,000 hours, by about 10% over the earlier years, we have still reduced the accident rate to 0.22 per lakh flying hour. So number bahut kam ho gaya hai, chinta karne ki zarurat nahi hai, aur jo fighter fly karne ke liye yogya nahi hai usko hum log udate nahi. Thank you. Gopal sir, sawal ye tha ki mardon se adhik mahilaye recruit ho rahi hai, wo to unhone bola hai ke liye koshish karenge. अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है.
जो जिस प्रकार से मुझे फीडबैक आ रहा है, ये फाइटर इसका एक्सपेरिमेंट जून जुलाई में तीन लड़कियां एयरफोर्स में फाइटर इसमें प्लीज प्लीज तीन लड़कियां फाइटर स्ट्रीम में फाइनली इंडक्ट हो रही हैं, उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि इसमें कम आ जाएगी और फाइटर का पायलट देश में पहले बार हो रहा है, उसके बाद में देर विल बी फ्लड ऑफ एप्लीकेशन, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। गोपाल जी, अध्यक्ष जी, मैं मेघवाल जी के प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, हमारे भारतीय समाज की एक मानसिकता ही महिलाओं की वर्षों से इस प्रकार की हुई है, उनको कभी कभी लगता है कि ये काम हमारा है ही नहीं है, इसलिए उनका ये शायद होगा। इसलिए मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि आजकल महिलाएं पायलट बहुत बनती है लेकिन उनको नौकरी मिलता नहीं है, तो ऐसे महिलाओं को सरकार प्रोत्साहित करके एयरफोर्स में आने के लिए कोई व्यवस्था करेगी क्या? मुझे लगता है आई डोंट हैव टू इवन एनकरेज, देयर इज सो मच एंथुसियाज्म एंड देयर इज सो मच फीडबैक आई एम गेटिंग दैट विदाउट इवन एनकरेजिंग देयर विल बी इनफ एप्लीकेशंस एंड टाइम मे कम व्हेन दे मे आउट नंबर द मेल। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 184, श्री राहुल शेवाली। क्वेश्चन नंबर 184। यस मिनिस्टर, सोचना पड़ेगा। यस सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यू हैव पेपर ले तो कर दिया, एज लेड ऑन द टेबल। यस मैडम, जैसे समाचारों से जानकारी प्राप्त हो रही है, अमेरिका के नेवाड़ा में नेलिस एयरबस में बहुराष्ट्रीय रेड फ्लैग अभ्यास में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के आकाश पर अपना परचम लहराया। पहली बार भारतीय वायुसेना अपने 8 सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान और IL-78 विमानों के साथ शामिल हुआ था। संयुक्त अभ्यास के दौरान इन दोनों लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी वायुसेना के F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों को कड़ी टक्कर दी। अभ्यास के अंतिम वार्म अप राउंड तक पहुंचने वाली भारतीय वायुसेना को अमेरिका ने विश्व स्तरीय वायुसेना होने का दर्जा दिया है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के बहादुर गरुड़ कमांडो फोर्स ने भी पश्चिम देशों के अपना लोहा मनवाया है। मैडम, युद्धाभ्यास के दौरान अपनी शक्ति दिखाने के साथ साथ अपनी कमजोरी आंकने का भी मौका मिलता है। देश को अपनी वायुसेना पर गर्व है, हमारी वायुसेना में इरादे की कमी नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो कुछ रक्षा उपकरणों या जरूरी सामान की हो सकती है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि वायुसेना के इस युद्धाभ्यास के में किन किन कमियों का उजागर हुआ है और उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तथा अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विदेशी इक्विपमेंट पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ताकि सेना सशक्त और आत्मनिर्भर बने। स्पीकर मैडम, आई लाइक टू इन्फॉर्म द मेंबर दैट इट इज नॉट इन नेवाड़ा, इट इज इन अलास्का। लास्ट टाइम, पिछले बार जो हुआ था 2008 में, वो नेवाड़ा में हुआ था। इस बार अलास्का में एक चल रहा है और ये अभी 28 अप्रैल से चालू हो गए और 13 मई तक चलेगा। इसका डी इंडक प्रोसीजर ऐसा होता है कि वो पूरा एक्सरसाइज करने के बाद डी इंडक जब हो जाते हैं, जून महीने में हो जाएंगे, उसके बाद में उसका अभ्यास किया जाएगा और उसके ऊपर अगर कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में जो कुछ करना है एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर आवर पायलट्स आर परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल और उनको काफ़ी बेनिफिट ये एक्सरसाइज से हो रहा है। सेकंड सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वायुसेना आगे भी इस प्रकार के युद्धाभ्यास में शामिल होने का विचार रखती है क्या, और भारत भी रेड फ्लैग अभ्यास की तर्ज पर देश में इस तरह के युद्धाभ्यास करवा सकते हैं? युद्धाभ्यास के साथ साथ वायुसेना को अपने प्रतिष्ठाओं को भी अभेद्य बनाना है, उन्हें किसी भी घुसपैठ या हमले से बचाने की भी आवश्यकता है, इसके लिए सरकार किस तरह के उपाय और अभ्यास कर रहे हैं? एक तो एक्सरसाइज बायलैटरली काफ़ी होते रहते हैं, फ्रांस, सिंगापुर, ओमान, रशिया, यूके, यूएसए, यूएई, सबके साथ कई दोस्त राष्ट्रों के साथ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं। ये लेकिन थोड़ा अलग है, इसमें मल्टी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, यूएसए के सिवा डेनमार्क, नॉर्वे और नाटो फोर्सेस इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग।
and we are getting experience on what are the strength and weaknesses in fighting ability, close combat position of fighters like F-16, F-18, which are very important for India on the Western front. Sri Adal Rao Patil, not there. Yes, Saugat Raji. Madam, this year, joint Indo-US Air Force exercises are taking place after 7 years. The last joint exercise was held in Agra, India, as was informed by the minister. The minister has said that participation in such exercises allows IAF to fly against multiple types of platform and evaluate their capability in a realistic scenario. Now, in the exercise, 4 Sukhoi 30 MKI, 4 Jaguars, 2 IL-78 aircraft and 2 C-17 aircraft, I think both of them are cargo planes, they are taking part. May I ask the Honorable Minister why in such joint exercises you do not insist on Indian pilots flying the more advanced planes? For instance, F-16 that you mentioned, Pakistan is negotiating with America for F-16s. If our pilots do not get to fly the American planes, what is the benefit that we get from flying in far away Alaska with the American planes, where our pilots have no exposure of actually flying the American planes or in any joint exercise? The opportunity should be to fly their planes. Otherwise, our own planes we can fly here in on the airstrip of Agra or wherever you want to. Why this joint exercise? How this will open our Air Force armory to the Americans, whereas we'll be getting no benefits of actually learning and working with their aeroplanes. I think Honorable Member asked a very good question, but the question is not in the right direction, because when we are having, first of all, this is not a bilateral exercise. Agra was a bilateral. This is multi-countries. There are NATO, Denmark, Norway, and NATO forces besides US also. Most important is not the experience of flying F-16s. The experience of flying against F-16, that is what we require. We are not going to induct F-16, at least as of now. We have not inducted F-16 in our Air Force. But when you are going to, if at all, and I basically assume that we don't have to do it, but if at all we require, we will have to fly against F-16s. So we are getting the very important exercise of close combat and offensive counter-air as well as defensive counter-air and dynamic targeting experience against the aircraft which is held by our adversaries. So it is important that I get an experience against aircraft the other side is going to fly. By flying it, I don't get that experience. My aircraft should be able to pick up the signature. I don't go into the full details, but electronic signature, and because it is found that first 10 clash, whenever there is a war, are the most crucial, where most of the aircrafts are lost. That is because you don't have experience of the, or you can't recognize the enemy aircraft, their capabilities. Here we are getting very crucial, important data about flying against aircrafts which are there in the stockpile of our adversaries. So we actually learn how to counter them. Very good. Question number 185, Dr. Subhash Bhamre. Yes, Minister. एक गर्म सभा पर डबल रखा हुआ है पूछिए योगा एंड नेचुरोपैथी टुडे इज रिलेवेंट
globally relevant because of its holistic approach towards health. And that's why I would like to know, because last year we have witnessed the massive celebration of the International Yoga Day, where our Prime Minister himself performed yoga in front of thousands of people, including ministers, foreign delegates, students, NCC cadets, and a host of many others. So I would like to ask Minister whether government is planning to introduce yoga as a compulsory subject in the schools. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फर्स्ट योगा डे की बात करी है. एक अच्छा कार्यक्रम देश के लिए हो गया था और उसमें दो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने प्रस्तावित किए हुए थे. इसके बाद योगा डे मनाने के बाद और ये बड़ी तौर हिंदुस्तान में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में 191 कंट्री में योगा डे मनाएगा, ये हमारी एक बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ. इसके बाद हम रहे नहीं, जो हमारा नेशनल आयुष मिशन है इसके तहत हर गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ योगा के बारे में हो, इसलिए हमने नाम में उसका प्रावधान किया हुआ है कि एक योगा वेलनेस सेंटर वहां बने और सभी लोगों को योगा का इंट्रोडक्शन वहां तक हो, इसकी योजना भी की है हमने. एक इसके बारे में जो दूसरा योगा दिन होगा उस योगा दिन भी अच्छी धूमधाम से मनाने के लिए हमारी कोशिश है और इसके लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग कोर्स करते हैं. आपका जो प्रश्न है कि स्कूल में और जहां तक कॉलेज में भी जो योगा आप कंपलसरी करेंगे, हमने जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे वहां कंपलसरी किया हुआ है. पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है. हमारे डिफेंस में भी योगा कंपलसरी कर रहे हैं, सभी जगह उसका उपयोग कर रहे हैं. और हाल ही इसमें हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने सभी स्कूलों को सभी राज्यों को ये योगा कंपलसरी करने के लिए नोटिफिकेशन भेजा हुआ है. मुझे लगता है कि तुरंत इसके बाद अभी इसी आने वाले सेशन में ये सभी स्कूलों में लगेगा. लेकिन एक बात है, वो 100% स्कूल में तो 100% कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन उनको हमने भेजा हुआ है कि जो जिसको करना है योगा वो करे, नहीं तो फिजिकल ट्रेनिंग उसी पीरियड में उसको एडजस्ट किया हुआ है. सेकंड सप्लीमेंट, देयर इज नो डिनाइंग दैट योगा इज अ इमेंस हेरिटेज दैट हेल्प्स इन टैकलिंग द लाइफ डिसऑर्डर डिसीजेस एंड दैट्स व्हाई It is not popular not only in India, it is popular all over the world. The medical tourism has increased to the tune of 3.2 million recently. And that has generated the market of that may cross of $4 billion. I would like to ask Honorable Minister through you, Madam, whether government has any plan to introduce the medical tourism for yoga, to promote the yoga. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने कहा है, हमारी मंशा यही है, सही मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान इंडिया इज ए वर्ल्ड टूरिस्ट स्पॉट है. बहुत लोग यहाँ आते हैं और मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ तो आप लोग जानते हैं गोवा एक वर्ल्ड टूरिज्म स्पॉट ऐसे ही है और हम चाहते हैं कि लोग आते ही है. यदि हम वेलनेस टूरिज्म का ये आगे लेके गए तो और टूरिज्म बढ़ाने की आशंका है, अच्छा है. इसलिए हम सभी टूरिज्म मिनिस्टर हमें चाहते हैं कि हम एक ऐसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए ताकि टूरिज्म उसमें हो, अपना आयुष हो, एग्रीकल्चर हो, इन सबको साथ मिला के ऐसी एक परिभाषा हम ये करें कि एक वेलनेस के लिए लोग भी यहाँ और ज़्यादा आए. ये हमारे भी इसमें हम इसके बारे में भी सोचते हैं. श्रीमती के गीता. Thank you, Honorable Speaker Ma'am, for giving me this opportunity.
I come from a place called Arku, madam, in which it is 70% is a forest area, and there is a research conducted in this area, and many medicinal herbs are available in this area, madam. Previously, there was a proposal to establish a AIDS research center in Arku. I would like to ask the Honorable Minister through you, madam, is there any proposal pending to establish research centers in Andhra Pradesh? If so, if there is a proposal in Arku, madam. Thank you.